सकते, ये कोई तरीका नहीं आपको बता दीजिएगा। तुम तो हथियार प्राप्त करके जो अपराधी पकड़े गए हैं उनका वीडियो टेप भी हुआ है, तो परिवार का डिमांड है कि उस वीडियो टेप या ऑडियो टेप को पब्लिकली किया जाए और इस जांच को उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराया जाए, ताकि जो हकीकत है जैसा इन लोग का शक है कि कुछ लोग को छोड़ दिया जा रहा है जानबूझकर, उन लोग को भी इसमें शामिल किया जाए। पुलिस की कार्यशैली से कितना संतुष्ट है? आपको याद होगा कि 1994 में हमारे बड़े भाई श्री छोटन शुक्ला जी की इसी तरह की हत्या कर दी गई, क्या उस केस में आज तक कोई पकड़ा गया है? प्रशासन क्या कर रही है ये विगत 20 साल से ये सभी को पता है, और कहीं ना कहीं से इसमें प्रशासन का हाथ है और प्रशासन इसको कहीं ना कहीं से कुछ छुपाना चाह रही है। इसके चलते हम लोग उन समीर जी के और उनके परिवार के पक्ष में यहाँ बैठे हूँ। हमको उन्होंने नहीं कहा था लोकसभा में आप बंद कर दीजिए। बिहार और देश के हर जगह समीर जी के घटना के बारे में मैं जिंदा रखा था, बात करता हूं। समीर जी के हत्या करने वाले कौन कौन लोग हैं दोबारा फिर मैं कहूं तो लोगों के पेट में दर्द हो जाए। कौन लोग हैं उनको मरवाने वाले? विपक्ष का नेता भी 4 घंटा उसके बेटे के बिहार में आकर के बैठता है और मुख्यमंत्री भी उनके यहाँ आते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आकर के बैठता है। समीर जी खीरा कचरी थे क्या? कोई अपराधी मार देता? समीर जी को मरवाने में यहाँ कितने कितने लोगों का हाथ है? मैंने 4 लोगों का नाम ओपन बोला है। औकात है किसी को तो हमसे बाहर लड़े ना भाई, क्या दिक्कत है? हम तो बार बार कहते हैं, हम दुनिया में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको कहे हुए हैं कि भाई मेरी लड़ाई है आपसे, और आपको जितना वैचारिक और समाज के बीच में लड़ना हो आइएगा, लेकिन गलत मैसूर में दिन में कोई नहीं जाता। पप्पू यादव 4 घंटा रह के लाश निकालने के बाद और एक धूर जमीन जिस भूमिहार समाज के किसान जो पानी पटा के आ रहा था और ब्राह्मण समाज के पास नहीं था, सरकार ने खाने तक की पैसे नहीं थी, पत्नी घर में था, वहाँ हम एक परिवार की तरह वहाँ जा करके दोनों फैमिली को मैंने जिंदाबाद किए हैं। समीर भैया के बिहार समाज को गाली दिया है, उसके साथ
तभी हम लोग नहीं जा सकते। हमारे समाज का विरोधी है, हमारे बुनियाद समाज का विरोधी है। क्या कहना है, किस तरह से जो ये घटना प्रशासन पर यहाँ भरोसा कर रहे थे, उनको सहयोग भी दे रहे थे कि हमारे साथ न्याय हो, लेकिन वो सही से इसकी जांच नहीं की। तो इसके लिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, ताकि वहाँ हमारे साथ न्याय हो और निष्पक्ष जांच। धन्यवाद।